today we are going on revision work for full form. I am full form का revision work करने जा रहे हैं and मैंने ये full form तो आपको ऐसे भी learn होंगे. CPU का full form क्या होता है? Central Processing Unit. मगर फिर भी एक बार और लिखेंगे जिससे अच्छे से learn हो जाए and spelling में mistake ना हो, इसलिए हम आज इसका revision करेंगे. okay? तो CENTRAL सेंट्रल PROCESSING UNIT सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके नेक्स्ट ALU को क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. तो क्या होगा? AI अर्थमेटिक लॉजिक LOGIC यूनिट UNIT. ओके इज दैट क्लियर? नेक्स्ट CU का होता है कंट्रोल यूनिट. ओके यानी कि कंट्रोल यूनिट UNIT. ओके नेक्स्ट MU का होता है मेमोरी यूनिट. तो मेमोरी MEMORY मेमोरी यूनिट की तो आपको लर्न हो ही होगी बिकॉज थर्ड टाइम में दिख चुकी है एंड फोर्थ टाइम ये है UNIT. PC का पर्सनल कंप्यूटर. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? PRSO NAI पर्सनल कंप्यूटर कौन होता है? लैपटॉप. OS का क्या होगा? OS बना है OS का ऑपरेटिंग सिस्टम. जब वो ऑपरेट करते हैं सिस्टम को कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके CD का कॉम्पैक्ट डिस्क. DVD का डिजिटल वीडियो. एंड डिवाइस. ये तो आपको लर्न होगा, दिखा चुकी हूँ मैं ये सारे फुल फॉर्म, है ना, फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाए थे. बट फिर भी एक बार मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ. CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट, PC पर्सनल कंप्यूटर, OS ऑपरेटिंग सिस्टम, CD कॉम्पैक्ट डिस्क एंड DVD डिजिटल वीडियो डिस्क. यही आपको होमवर्क से लर्न करना है. तो होमवर्क में लिखिए लर्न फुल फॉर्म.